वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में डेरों डेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द से जल्द पूरा करें। मैं मिसेज इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी नट्स सैंडविच रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का बनता है, मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है और मैं इसे अक्सर बनाती हूँ जब कुछ भी नाश्ता करने को दिल ना चाह रहा हो। तो बिल्कुल लाइट वेट सा ये हेल्दी सा सैंडविच बना के आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और अंदर से एकदम चूई और क्रंची, जिस किस्म के भी आप टर्स यूज़ करते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। और ये ना सिर्फ बड़ों को पसंद आता है बल्कि ये बच्चे भी बहुत ही शौक से खाते हैं और बच्चों के लिए ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी है। आई होप कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और इस रेसिपी को बहुत पसंद करने वाले हैं जी। सबसे पहले ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं करने जा रही हूँ ब्रेड्स के एजेस को कट करने जा रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड के एजेस को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उतार देंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का लगेगा। और जो किनारे उतरेंगे उसको आप ब्रेड क्रम्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इसको रोल करके बच्चों के लिए एक लॉलीपॉप भी बना सकते हैं। जितनी ब्रेड्स आपको इस्तेमाल करनी है उतनी ही कट कीजिएगा, जितने सैंडविच आपको चाहिए उसी हिसाब से ब्रेड के पीसेस को आप कट कर लेंगे। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है, जिसने खौफ खुदा की वजह से इसे हराम से बचा लिया, अल्लाह ताला इसे ईमान अता करेगा जिसकी लज्जत वो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करेगा। अल्लाह ताला हमें हराम देखने, समझने और सुनने से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने ली है यहाँ पे मलाई क्रीम। आप टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं और घर की फ़्रेश भी ले सकते हैं। मैं घर की फ़्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ और कुछ खजूरें काट के मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। बारीक कटे हुए अखरोट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 चम्मच, और 3 चम्मच ही मेरे पास खजूरें थी और 3 चम्मच ही मैंने अब इसमें शामिल कर दिए हैं काजू। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी और नट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इंजीर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको पता है कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए। और जब आप इनको अपने घर में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग होते हैं खाने में। व्यूवर्स, आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो देखते देखते इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है ना न्यूटेला या चॉकलेट स्प्रेड भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाएं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये एक ऐसे ऑप्शन थी मैंने आपको दी। अब क्या कर रही हूँ मैं, सेंटर से इसे कट कर लेंगे, 4 पीसेस बना लेंगे जी। देखें, इसी तरह से बस आप स्प्रेड बनाएं और इसे लगाते जाएं और इस स्प्रेड को आप 2 से 3 दिन के लिए किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल के यूज़ करें। टिफ़िन में बच्चों को ये दे सकते हैं, ये टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है क्योंकि ये जो है इसको गर्म करने का ऐसा कोई इशू नहीं होता और बच्चे आसानी से खा सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि फ़ाइनल लुक इन नट्स सैंडविच की देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं और इनको मैंने ग्रीन लीव्स के साथ सर्व किया। आप इसे अपनी टी टाइम में बना के और अचानक से जो कोई मेहमान आ जाए उनके लिए भी बना के सर्व कर सकते हैं और आपके घर से मेहमान बहुत ही ज़्यादा खुश होके जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी प्यारी सी छोटी सी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।